Hello friends, once again I welcome you in my YouTube channel Health Consultant, and I'm your friend Dr. Alianur Qureshi, and today we're gonna see one more injection. तो दोस्तों आज हम जिस इंजेक्शन के बारे में बात करने वाले हैं वो है इंजेक्शन मेनेक्सियन. इंजेक्शन मेनेक्सियन ये नाम का इंजेक्शन है, ये जो है ज़ियोन कंपनी का इंजेक्शन है और ये 1 ml का एम्पुल होता है फ्रेंड्स, और इसमें जो कंटेंट है वो मेनाडियन कंटेंट है इसमें फ्रेंड्स. मेनाडियन जो है ये एक ऐसा कंटेंट है जिसको बोलते हैं एंटी फिब्रोलाइटिक एजेंट. एंटी फिब्रोलाइटिक एजेंट क्या है उसके बारे में हम थोड़ा सा आज बात करेंगे फ्रेंड्स. तो इसका जो डोज है ये 10 mg है मेनेक्सियन का, ज़ियोन कंपनी का है, और ये IV इंट्रावेनस और इंट्रामस्कुलर ऐसे दो चीज़ों से ये दिया जा सकता है, दो रूट से ये दिया जा सकता है फ्रेंड्स. तो इसका जो रोल है ये एंटी फिब्रोलाइटिक एजेंट है जो कि जिसको बोलते हैं हम कोआगुलेटिंग एजेंट, मतलब जो खून को जो है गाढ़ा करता है, खून को जो है पतला होने से रोकता है. कभी कभी जो है ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होती है या ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं तो उस टाइम पे जो है ये इंजेक्शन IV या IM दिया जाता है जिसका नाम है मेनेक्सियन. तो ये इंजेक्शन का जो रोल है ये विटामिन के को बढ़ाता है. विटामिन के मतलब क्या, कोआगुलेटिंग एजेंट, और जो है बॉडी में ब्लड में जो है फैक्टर 2, फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 को बढ़ाता है फ्रेंड्स. और ये इंजेक्शन देने के बाद फ्रेंड जो है ब्लीडिंग जो है वो रुकती है या ब्लीडिंग जो है होने नहीं देता. ये क्यों नहीं होने देता, क्योंकि जो है ये कोआगुलेटिंग एजेंट है, ये जो है खून को गाढ़ा बनाता है. तो अगर आप कभी देखे होंगे कि किसी कंडीशन में ब्लीडिंग के चांसेस है तो वहाँ पर विटामिन के मेनेक्सियन ये इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स, और इसका डोज जो है ये OD डोज में दिया जाता है फ्रेंड्स. 3 दिन 5 दिन ऐसा ये इंजेक्शन दिया जाता है फ्रेंड्स. और ये मेनेक्सियन इंजेक्शन जो है बहुत ही अच्छा है किसी भी ब्लीडिंग के कंडीशन में, जहाँ पे भी ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है ये मेनेक्सियन का इंजेक्शन वहाँ पे दिया जाता है, क्योंकि विटामिन के बढ़ता है. एंटी फिब्रोलाइटिक एजेंट में ये इसकी कैटेगरी है फ्रेंड्स. जैसे कि समझो डेंगू का पेशेंट है उसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस हैं, कोई हेड इंजरी का पेशेंट है उसमें भी ब्लीडिंग के चांसेस है, जहाँ पे भी थ्रोम्बोसाइटोपेनिया है, प्लेटलेट्स भी कम हो रहे हैं उसमें भी ये ब्लीडिंग के चांसेस को रोकता है, क्योंकि ये कोआगुलेट करता है ब्लड को. तो ये विटामिन के का इंजेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन है, और आप इसको बिंदास यूज़ कर सकते हैं, IV या IM दोनों रूट से दे सकते हैं. एडल्ट का डोज है 10 mg, बच्चों का चाइल्ड और एडल्ट का डोज है 5 mg फ्रेंड्स. IV और IM दोनों रूट से दिया जाता है, तो इसका यूज़ बहुत अच्छा है डेंगू पेशेंट, ब्लीडिंग के पेशेंट में, और जिसका भी ऐसा लग रहा है कि जैसा कि वॉल के जो पेशेंट रहते हैं MVR माइट्रल वॉल रिप्लेसमेंट, एट्रियल वॉल रिप्लेसमेंट, ऐसे जो वॉल के रिप्लेसमेंट के पेशेंट रहते हैं उनमें भी जो है वारफेरिन ये टैबलेट शुरू रहता है, तो वहाँ पे भी जो है फ्रेंड्स आपको मालूम रहना चाहिए कि कभी कभी ब्लीडिंग के चांसेस होते हैं तो विटामिन के का इंजेक्शन वहाँ पे दिया जाता है फ्रेंड्स. ये मेनेक्सियन वहाँ पे दिया जाता है कभी, क्योंकि वहाँ पे जो है क्या बोलते हैं उसको ब्लीडिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, कभी कभी होते हैं वॉल के रिप्लेसमेंट में भी, तो कहाँ पे भी ब्लीडिंग के चांसेस हैं वहाँ पे ये विटामिन के का इंजेक्शन ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि वहाँ मेनेडियन इंजेक्शन यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स. आज का वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू वेरी मच.